आज हम जो विषय लेंगे वो है डलहौजी की हड़प की नीति। 1848 से 1856 ईस्वी का काल ब्रिटिश कालीन भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण माना जाता है। इस काल में लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल रहा। बहुत ही सक्रिय प्रशासक था। उसने युद्ध और कूटनीतियों से भारतीय राज्यों पर अधिकार करके भारत में ब्रिटिश कंपनी के साम्राज्य विस्तार किया। डलहौजी साम्राज्यवादी विचारों का व्यक्ति था। उसने भारत में गवर्नर जनरल का पदभार संभालने के साथ ही नाम कमाने का दृढ़ निश्चय किया। डलहौजी द्वारा जो नीति भारतीय राज्यों के प्रति अपनाई गई उसके विषय में विस्तार करने का पहले के गवर्नर जनरल साधारणतः इस सिद्धांत के आधार पर कार्य किया कि जिस प्रकार भी संभव हो राज्य विस्तार नहीं किया जाए। डलहौजी ने इस सिद्धांत पर कार्य किया कि जिस प्रकार भी संभव हो ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया जाए। किसी राजा का पुत्र नहीं होता, दत्तक पुत्र को अपना राज्य नहीं दे सकता था, वन उसका राज्य ब्रिटिश साम्राज्य मिला लिया जाता था। क्रोध प्रथा निषेध नीति डलहौजी की उग्र साम्राज्यवादी नीति थी, जिसने कि पंजाब सिक्किम को उसने युद्ध के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य विलीन कर लिया। शांतिपूर्ण ढंग से अन्य भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य विलीन करने का निश्चय किया। इसके लिए उसने जिस नीति को अपने उसे इतिहास में क्रोध प्रथा निषेध नीति या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहते हैं। इस नीति के अनुसार उन संतानहीन देशी नरेशों को जो कंपनी के अधीन थे, उनका अस्तित्व कंपनी के कारण हुआ था, जो कंपनी में निर्भर थे, उन सभी को पुत्र गोद लेने की आज्ञा नहीं देकर उनके राज्य को कंपनी के राज्य में विलीन करने का निर्णय लिया गया। डलहौजी ने अधिकार केवल उन राज्यों को देना उचित समझा जिनसे वर्तमान तथा भविष्य में राजनीतिक लाभ उठाए जा सकते थे। यदि किसी राजा का और पुत्र नहीं होता तो वह अपने दत्तक पुत्र को अपना राज्य नहीं दे सकता था, उसका राज्य ब्रिटिश साम्राज्य मिला लिया जाता था। लॉर्ड डलहौजी ने कुछ संतानहीन भारतीय शासकों को उत्तराधिकारी बालक को गोद लेने की अनुमति नहीं दी और उनके राज्य को हड़प करके अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डलहौजी ने भारतीय राज्यों को तीन श्रेणियों में विभक्त किया। स्वतंत्र राज्य, जो भारत में ब्रिटिश राज्य के अस्तित्व में आने के पूर्व से विद्यमान थे, जैसे जयपुर उदयपुर। आश्रित राज्य, जो पहले से मुगल सम्राट या पेशवा को वार्षिक कर देते थे किंतु अब वे ब्रिटिश सरकार को कर देने लगे और अंग्रेजों के आश्रय और संरक्षण में थे, जैसे नागपुर ग्वालियर के राज्य। अधीनस्थ राज्य, जिनको ब्रिटिश कंपनी ने बनाया, जिनको जीत कर ब्रिटिश कंपनी ने पुनः स्थापित किया, जो पूर्ण रूप से अंग्रेजों के अधीन थे, जैसे झांसी सतारा के राज्य। गोद प्रथा निषेध नीति और हड़प नीति का उसने किस प्रकार क्रियान्वयन किया कि डलहौजी ने अपनी हड़प नीति के आधार पर गोद लेने की प्रथा को अमान्य कर निम्नलिखित राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य विलीन कर लिया। सतारा 1848, डलहौजी की हड़प नीति का पहला निशाना सतारा बना। कंपनी के संचालकों ने भी डलहौजी के इस कार्य का समर्थन किया। संबलपुर और जेतपुर 1890 में, उड़ीसा में संबलपुर राज्य का शासक नारायण सिंह जी संतान मर गया। पुत्र न होने पर वह खुद पुत्र नहीं ले सका, इसलिए उसकी विधवा रानी ने शासन प्रबंध अपने हाथों में ले लिया। डलहौजी ने सिंहासन पर रानी के अधिकार को अस्वीकृत कर दिया और संबलपुर तथा बुंदेलखंड में जैतपुर राज्य को हड़प नीति के आधार पर 1849 में ब्रिटिश राज्य मिला लिया। झांसी 1857 में और नागपुर 1865 को भी ब्रिटिश साम्राज्य में विलीन कर लिया गया। अगर हम हड़प नीति की समीक्षा करें तो पाते हैं कि डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य नीति के अंतर्गत गोद प्रथा निषेध नीति या हड़प नीति को जो अपनाया, उसके द्वारा उसने ब्रिटिश साम्राज्य को संगठित और सुदृढ़ किया। भारत में ब्रिटिश कंपनी के राज्यों की सीमाओं का अत्यधिक विस्तार हुआ। डलहौजी के साम्राज्य विस्तार नैतिक न्याय को निष्पक्ष रूप से समर्थन तो नहीं किया जा सकता, किंतु डलहौजी की हड़प नीति अनैतिकता और स्वार्थ से परिपूर्ण थी। उसके दुष्परिणाम के फलस्वरूप ही 1857 में भारत में अंग्रेजों का एक विशाल क्रांति देखनी पड़ी, इसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव कमजोर कर दी। धन्यवाद। अब धन्यवाद।